दुनियावी दरवाजे सबसे बदबूदार दरवाजा अगर हदीस शरीफ में आए तो उन लोगों के लिए जो जिना करते हैं, बहन की शादी नहीं हो रही है जहेज की लालच की वजह से, और बाहर निकल के देखते हैं कि हाँ हमारी बुरखे में बच्ची है कैसा उसके साथ जा रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपने घर वालों से अच्छा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा। ये गुस्से की वजह से घर जल जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। अपनी औलाद को बेहयाई से दूर रखना सिखाई। अगर आप अपनी औलाद को हयादार नहीं बनाएंगे तो खून के आंसू आप रोएंगे, याद रखिए। ये जो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जिना के करीब मत जाओ, जिना के करीब मत जाओ, आप सोचिए कि अरे गुनाह है गुनाह, और उसके करीब मत जाओ। अल्लाह फरमाए गुनाह उस जिना के करीब मत जाओ। अरे जहन्नम के भी दरवाजे सबसे बदबूदार दरवाजा अगर हदीस शरीफ में आए तो उन लोगों के लिए जो जिना करते हैं और बगैर तौबा करे मर जाते हैं, तो जिना पर जहन्नम का सबसे बदबूदार दरवाजा। अरे कोई फिक्र नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं, डरी नहीं। और फिर हद तो यह है कि अगर घर में जहेज की लानत, घर में बहू पर जुल्म, बहन की शादी नहीं हो रही है जहेज की लानत की वजह से, और बाहर निकल के देखते हैं कि हाँ हमारी बुरखे में बच्ची है कैसा उसके साथ जा रही, ये अजीब मिजाज है। घर की फिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपने घर वालों से अच्छा। घर की फिक्र करो, कभी घर की तो फिक्र करो, घर में अच्छे हो जाओ, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बहन से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाया है, मौजूद है, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा। और फिर अगर घर में आग लगी तो आग को बुझा सकते हैं, मगर सबसे बड़ी आग गुस्सा है, याद रखो। ये गुस्से की वजह से घर जल जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, उसको कौन बुझाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, बल्कि यहाँ पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब कीमिया सआदत का वाकया याद आ रहा है। इमाम गजाली लिखते हैं कि हजरत एक शख्स थे, बुजुर्ग थे, हजरत सुलेमान बिन बशर, जो हज को जा रहे थे तो रास्ते में किसी जगह पर रुकना, उस जमाने में लोग पैदल ऊंट से जाते थे, तो रास्ते में आराम फरमाए, अपने साथी को कहा कि जाओ थोड़ा खाने का इंतजाम करो। तो उस शख्स के सामने एक हसीन मोहतरमा आ जाती है और उनसे बड़ी दिलकश अदा में उनसे गुफ्तगु करती है और उनको गुनाह के लिए रागब करने की कोशिश करती है। हजरत सुलेमान जो बुजुर्ग थे बिन बशर, वो सारों खतार रोना शुरू कर देते, चीख मार मार कर रोते, अल्लाह के खौफ से चीख मार मार कर रोते हैं। वो मोहतरमा उनको देख के कहती है तो पागल है चले जाते। और जब उनके दोस्त वापिस आते देखते हैं कि पूरा उनका जिस्म, उनकी आंख से आंसू बह रहे हैं, बल्कि जो जिस्म में कपड़ा पहना कच्चा है उनके आंसुओं से, तो उनसे पूछते हैं माजरा क्या है, तो कहते हैं ऐसा हुआ था अल्लाह के खौफ से रोना शुरू कर दिया। तो शख्स चीख मार कर कह रहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अकेला नहीं था, अगर मैं रहता यहाँ पर तो मैं शायद गुलाम उनसे सरजब हो जाता। मक्के शरीफ जाते हैं, उमरा करते हैं। इमाम गजाली लिखते हैं कि मक्के शरीफ में उमरा करने के बाद किसी जगह पर आराम फरमाते हैं तो ख्वाब में आप हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को देखते, ख्वाब में आप हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को देखते हैं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम उनसे कहते हैं कि तुमने जो जो गुनाह नहीं किया मैं तुमको उसकी मुबारकबाद देने को आया, मैं तुमको उसकी मुबारकबाद देने के लिए आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए अपनी औलाद को, अगर यहां पर कोई माँ बाप है, अपनी औलाद को बेहयाई से दूर रखना सिखाइए, हयादार बनाइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ईमान हया है और हया ईमान। अगर आप अपनी औलाद को हयादार नहीं बनाएंगे तो खून के आंसू आप रोएंगे, याद रखिए। अगर आप अपने बच्चों को बचपने से हयादार और हया की तालीम नहीं दिलाएंगे, उलमाओं की सोहबत में आप नहीं बैठेंगे, अपनी औलाद को नहीं बिठाएंगे, तो फिर ये जब बड़े होंगे आपको खून के आंसू आप रोएंगे। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है,
कि बुखारी शरीफ के हदीस में आया कि मैंने पहली कौमों में तीन लोग किसी एक गार में जाकर आराम करते हैं तो एक पहाड़ गिर जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, तो तीनों में से हर एक आदमी कहता है कि अल्लाह को मैं अपनी नेकियां बयान करके अल्लाह को हम राजी करेंगे, वसीला देंगे। तो एक शख्स कहता है कि अल्लाह मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मैंने उनकी बहुत खिदमत की, तो वो जो पहाड़ रास्ता उठता है पत्थर वो थोड़ा हटता है। दूसरा कहता है कि अल्लाह मैंने अमानत में खयानत नहीं की, मैंने यतीमों की अमानत में खयानत नहीं की, तो और थोड़ा पत्थर हटता है। और तीसरा शख्स कहता है कि अल्लाह मैं जिना करना चाहता था, तेरा खौफ मुझ पर गालिब आ गया, मैंने नहीं किया, तो पूरा पत्थर हट जाता। आज मुसलमानों की राहों में पत्थर है, पहाड़ है। अगर आप उन पत्थर और पहाड़ों को हटाना चाहते हैं तो आपको अपने माँ बाप की खिदमत करना है, अमानत में खयानत नहीं करना, जिना से दूर रहना, जिना से दूर रहना। और तीसरा सबब बनता है कत्ल का शराब ड्रग्स, कि शराब पीए बैठकर उसके बाद झगड़ा करें और उनको मार दिए। अच्छा, फिर मेरे से आकर किसी ने पूछा कि नहीं साहब, तो आप उसकी भी तारीफ नहीं कर रहे, उन्हें मर गया। मैंने कहा दीवाने, उसके हाथ में भी तो हथियार था, अगर वो इसको नहीं मारता तो मैं उसको मारता। सेल्फ डिफेंस की बात अलग है, मगर जो लोग जैसा अभी आपने सुना, आपने भी यहां पर सुना, जो आलिम दीन अमेरिका में मुकीम है, जो हैदराबाद में मौलाना मुफ्ती कासिम सिद्दीकी साहब के जज्बे का बदला, हदीस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ के हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोग, दो मुसलमान अगर एक दूसरे पर तलवार उठाते हैं और एक मर जाता है और एक बच जाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दोनों जहन्नमी। सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो सही है कि जिसने मारा वो जहन्नमी है, पर ये कैसे हो जाए, वो भी तो उसको मारना चाहता, वो भी तो उसको मारने के लिए निकला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजों पर आपको और हमको इस पर नोट करना है। और शराब को तो बड़े गुनाहों की जड़ खड़ा, उन्होंने हमारे सरकार द्वारा फरमाया, कुरान में अल्लाह फरमाया कि कुरान और जुआ तुमको अल्लाह की इबादत से दूर कर देती है। हशर के मैदान में जो शराबी तौबा के बगैर मरा तो उसकी जबान बाहर रहेगी, बदबू आएगी उसके पास से, लोग बोलेंगे शराबी का। ड्रग्स का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, गांजे का इस्तेमाल हो रहा है। अब हमको इन बुराइयों का खात्मा हमको करना है अपने घर से। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जीरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जीरोक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में। ऑनलाइन से मुतालिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल, न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रायतू बाजार के बाजू की गली में, 9030127804। न्यू रोज इंटरप्राइजेस।